मैडम क्या बता सकते हैं एड्रेस कहाँ पड़ेगा? नहीं नहीं भैया, मुझे इस एड्रेस के बारे में नहीं पता। मैम एक बार ध्यान से देखो ना। कोई बात नहीं, एड्रेस हम बता देंगे कहाँ पड़ेगा। हाँ भाई। हाँ क्या करें भाई, पीछे वो गाड़ी दिख रही है, एक काम करते हैं उसका शीशा तोड़ के ना गाड़ी खोल लेते हैं, उसके बाद उसी गाड़ी में इस लड़की को बिठा के भाग जाएंगे। हाँ भाई सही कह रहे हैं, चल चल। के काम कर, तू ये ढूंढ के ला। हाँ इसको संभाल भाई। अबे जल्दी लेके आना। ये मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हैं लोग? ईंट नहीं मिलेगा तुझे। मिल गया भाई, सीधा तोड़। ओए ओए रुक, सुमित भाग भाग। साला तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैम 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 अब ठीक तो है? मैम लगता है मैम बेहोश हो गई। नहीं यार, मैम आप ठीक है? हाँ लेकिन मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? अच्छा आप एक काम कीजिए, सामने बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, आप मेरे साथ चलिए आइए। हाँ आप सही कह रहे हैं, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। आइए मैम आइए आराम से। बैठिए मैम। अब ठीक है आप? हाँ पर मेरे सर में अभी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैडम आप एक बात बताएं कि वो लोग आपको मारना क्यों चाहते थे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो मेरे पीछे काफी टाइम से पड़े हैं। पता नहीं मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं वो। अरे आप टेंशन ना लें, अब आप यहाँ पर आ गए ना, आप बिल्कुल सेफ हैं। आप चैन की सांस लें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज मेरा एक काम करेंगे, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप मेरे लिए एक पेन किलर ले आएंगे प्लीज? हाँ हाँ मैं भी मंगवा देता हूँ। राजू राजू लगता है राजू नहीं है घर पे, मैं एक काम करता हूँ मैं खुद जाके ले आता हूँ। आप ना प्लीज जल्दी आना, मेरे को ना इस घर में भी बहुत डर लग रहा है, कहीं वो आ ना जाए इधर। अरे आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, आप टेंशन ना लें, आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। मैं बस अभी गया और दो मिनट में आया, और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आराम से रेस्ट कीजिए आप। इस टाइम कौन हो सकता है? दरवाजा खोलूं ना खोलूं, पता नहीं कौन होगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ओ ये नुटक ये ना बंद कर, चल पैसे निकालते हैं। रिजल से बात। हाँ एक काम कर, इससे पहले कि वो आए सारा घर लूट लेते हैं। चल फटाफट चल। चलो जल्दी करना, अबे ढूंढते तो दे। हाँ इसमें देखता हूँ सारे पैसे, ज्यादा निकाल जल्दी करो गाइस इससे पहले कि वो आ जाए। अरे दो मिनट रुक, जल्दी कर, छोड़ दिया। आ जाओ आ जाओ। मैम कहाँ गई? मैम मैम मैं आपकी दवाई ले आया हूँ। आवाज नहीं आ रही है, गई कहाँ मैम आखिर? मैम 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 यहां भी नहीं है, बिना बताए चले गई। मेरे पैसे क्या?
मेरे पैसे, इसका मतलब वो चोर थी। इनसे क्या हो गया, मेरे पैसे चुरा लिए उन्होंने। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि वो चोर थे। सर ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी जिंदगी भर की कमाई चले गई। क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या करूं यार। पुलिस में कंप्लेंट करता हूं। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। यार अभी तो कोई आया क्यों नहीं है। अरे अरे मैडम रुक जाइए, ये लीजिए। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प के लिए। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं आपको आगे तक। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए मैडम, यहीं बगल में मेरा घर है, वहां तक चल लीजिए, फिर मैं वहां डॉक्टर को बुला दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैडम बस थोड़ी सी दूर हो, बस आप बैठिए मैडम आराम से, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, आप बस गर्म पट्टी ले आइए, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। गर्म पट्टी घर में तो नहीं होगी, मुझे केमिस्ट से लानी पड़ेगी। हाँ तो आप ले आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब तक बैठती हूँ वहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी केमिस्ट से लेके आता हूँ। फंस गया, पर मुझे क्या करना, मुझे तो उसके घर को लूटने से मतलब है, और अभी बस मेरे पार्टनर आते ही होंगे, फिर सारी साफ सफाई करके निकल लूंगी। लगता है आ गए। तुम दोनों यहां कैसे, तुम दोनों को तो मैंने अपनी जान में फंसा लिया था, तो तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? हाँ हम दोनों, दरअसल ये प्लान तुम्हारा नहीं, ये प्लान था हमारा, जिसमें तुम तीनों फंस चुके हो। और अभी अंदर बैठ के क्या कर रही थी तुम, ये मासूम लोग हमारे जाल में फंस जाते हैं। अरे हम मासूम लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारी मासूमियत का फायदा उठाओगी। तुम्हें पता है तुम्हारी एक चोरी से एक इंसान को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तुमने जो मेरे पैसे चुराए, वो पैसे मैंने एक फ्लैट लेने के लिए रखे थे, एक बड़ा फ्लैट लेना चाहता था मैं, जिसमें हमारी पूरी फैमिली रह सके। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, एक ही पल में मेरे सारे के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। और जो तुम लोग ये किसी की मासूमियत का फायदा उठा रहे हो ना, ऐसे में क्या होगा कि इंसान ना एक दूसरे की हेल्प करने से डरेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जो गलत चीज होती है वो कभी ना कभी तो पकड़ ही जाती है, इसलिए इस दुनिया में इंसान एक दूसरे की हेल्प करना कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो इंसान गलत होता है वो ज्यादा देर तक बच के नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल वो पकड़ में जरूर आएगा। और जो तुम लोग ये चोरी कर रहे हो ना, इससे तुम कहीं ना कहीं किसी इंसान की बद्दुआएं ले रहे हो, किसी के सपनों को तोड़ रहे हो, किसी के घर को तोड़ रहे हो, और किसी का घर तोड़ के खुद की जिंदगी में खुशियों की कामना करना गलत है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। बाकी जो तुमने किया है ना, इसकी तो तुम्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपके हम सारे पैसे लौटा देंगे, बल्कि उससे ज्यादा लौटा देंगे, लेकिन प्लीज हमें जेल मत भेजो, हम आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। पैसे तो तुम्हें लौटाने ही पड़ेंगे, तुम क्या सोच रहे हो, तुम हमारे पैसे नहीं लौटाओगे? और सजा, सजा तो कड़ी से कड़ी मिलेगी। मैं एक काम कर, पुलिस को कॉल कर, और तुम बैठो नीचे, क्योंकि यहां से तुम भाग नहीं सकते। बैठो। बैठो।
तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं और क्या आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बताएं कि क्यों पसंद आती हैं, और नहीं आती हैं पसंद तो बताएं कि क्यों पसंद नहीं आती हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने गलत काम किया तो बच जाएंगे, लेकिन जो इंसान गलत करता है वो कभी बच नहीं सकता, आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। और ऐसे लोगों के चक्कर में हमें कभी किसी की मदद करना छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा चालाक हो जाना चाहिए, किसी थोड़ी समझदारी के साथ डिसीजंस लेने चाहिए, एकदम से किसी बात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मदद करना भी ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे की मदद ही नहीं करेंगे तो दुनिया चलेगी कैसे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दें वीडियो को। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।